एक ना एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल। जी हाँ दोस्तों, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल। ठोकरें जहर तो नहीं है, ठोकरें जहर तो नहीं है जो खाकर मर जाऊँगा मैं। जिस दिन आपने अपनी ये सोच बना ली, जिस दिन आपने अपनी ये सोच बना ली, उस दिन आपने सफलता की आधी सीढ़ियाँ पार कर ली। क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है मेरे भाई, जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए, जी हाँ आपके लिए, बहुत ही कमाल की, बहुत ही लाजवाब, ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो लाया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ सक्सेस की राह पर। शरीर तो मिट जाता है पर जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। ये कोट 1962 में भारत और चीन के युद्ध में 72 घंटों तक अकेला 300 चीनी सैनिकों से लड़ने वाले बहादुर शहीद महावीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के लिए बहुत ही शानदार बैठती है। गढ़वाल राज्य के रियल हीरो वीर योद्धा राइफलमैन जसवंत सिंह ने अकेले ही चाइना के 300, जी हाँ आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अकेले ही 300 सैनिकों को मार गिराया। दुनिया की बेहतरीन आर्मी में से एक चाइना की आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था इस वीर योद्धा ने। हालांकि 1962 में चीन ने भारत को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन उस युद्ध में हमारे देश के कई जाबाजों ने अपनी वीरता की कहानी लिखी थी। आज भी जसवंत सिंह का नाम आने पर सिर्फ भारत ही नहीं, चाइना में भी लोग सम्मान से सिर झुकाते हैं। वो 1962 की जंग का आखिरी दौर था जब चीनी सेना भारत के हर मोर्चे पर हावी हो रही थी। इसलिए भारतीय सेना ने नूरांग में तैनात गढ़वाल यूनिट की 4th बटालियन को वापस बुलाने का आदेश दे दिया। पूरी की पूरी बटालियन लौट गई, लेकिन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई नहीं लौटे। जसवंत सिंह ने पहले त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह के साथ, फिर बाद में दो स्थानीय लड़कियों की मदद से, जी हाँ दो लोकल लड़कियों की मदद से चीनियों को मुँह तोड़ जवाब देते रहे। जसवंत सिंह ने अलग अलग जगह पर इस तरह से राइफल सेट किए थे, फिट किए थे कि इस अंदाज में फायरिंग करते गए मानो उनके साथ सैनिकों की पूरी बटालियन लड़ रही हो। चीनी सेना परेशान हो गई, उनके हर एक गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब पाकर घबरा गए चीनी सैनिक। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब तक उन्हें कुछ समझ में आता तब तक 72 घंटे बीत चुके थे और जसवंत सिंह ने अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। आज भी इस वीर के वीरता की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ आप कल्पना करके देखो दोस्तों, न खाना न पानी, भूखे और प्यासे रहकर दिन और रात लगातार चीनी सैनिकों के हर एक गोलाबारी का लगातार जवाब देता रहा वो जांबाज। सिर्फ दुश्मन ही नहीं, सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना था उसे हर एक समय, हर एक पल। वहीं पर हमारे ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या पड़ जाती है, हमें पसीने छूटने लगते हैं। और तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ज़िंदगी भी किसी जंग से कम नहीं है। स्कूल में जंग, कॉलेज में जंग, बिजनेस में जंग, नौकरी में जंग, घर में जंग, रिश्तों में जंग, हर एक कदम पर एक नया जंग, एक नया युद्ध लड़ना पड़ता है आपको, हमें और सबको, अपने लाइफ में, अपने कैरियर में। आपको भी अपने फील्ड में इतिहास रचने के लिए, रिकॉर्ड कायम करने के लिए जसवंत सिंह रावत की तरह बहादुरी से अपने युद्ध को, अपने लाइफ के जंग को जीतना होगा। और हर रोज़ खुद से ये कहना होगा, हर रोज़ गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं, देख ऐ ज़िंदगी, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। और ख़ुद को हमेशा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल को भी बजा दीजिए, जिससे पॉजिटिविटी की अलर्ट आपको हमेशा मिलती रहे।